हेलो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार ऐड आने की वजह से? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपने ऐड को बंद कर सकते हैं विदाउट रूट के। तो चलिए कैसे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको जाना है सेटिंग के ऊपर में। सेटिंग के ऊपर में आने के बाद यहाँ पर आपको एक गूगल का ऑप्शन दिखा दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैनेज वाला ऑप्शन दिखा रहा है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, डाटा एंड प्राइवेसी, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, माई एड सेंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑन दिखाई दे रहा है इस वक्त, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑन, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा टर्न ऑफ का, इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ऑफ कर दोगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर नीचे गोट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और देखने के लिए मिलेगा ऐड वाला, तो इसके ऊपर में फिर से क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इसके ऊपर क्लिक करने पर डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, यहाँ पर भी इसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। बस इस तरह काम करना है। और जैसे इस तरह काम करने के बाद आपका जितने भी ऐड जो आपके स्क्रीन पर बार बार आते हैं तो वो आने बंद हो जाएंगे। वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।